हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वाले वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का जो लेसन है शक्ति, सत्ता और वैधता, इनको शुरू किया था। शक्ति, सत्ता और वैधता वाले लेसन को हमने शुरू किया था और आज इसे ही हम आगे कंटिन्यू रखते हुए इसमें आज हम पढ़ेंगे शक्ति की संरचना और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे नारीवाद सिद्धांत और उसके बाद में सत्ता शुरू करेंगे और लास्ट में सत्ता के बाद में वैधता पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इस पाठ को पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं शक्ति की संरचना। पिछले वाले वीडियो में आपने शक्ति के बारे में पढ़ा था, शक्ति और शक्ति के बाद आपने उसमें पढ़ा था शक्ति का बल और प्रभाव से भेद आपने पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा था शक्ति के जो रूप है उनके बारे में आपने पढ़ा था, जिसमें पहला आपने पढ़ा था राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति आपने पढ़ी थी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शक्ति की संरचना। तो शक्ति की संरचना शुरू करते हैं। शक्ति की परंपरागत कल्पना ऐसी क्षमता के रूप में की जाती है जिसके एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर नियंत्रण रख सकते हैं, जो नियमित रूप से इन्हीं पर शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में मुख्य चार सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो कि मार्क्सवाद की देन है, इसकी मूल मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज दो विरोधी वर्गों में बंट जाता है। आर्थिक रूप से ताकतवर बुजुर्गवा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या सर्वहारा वर्ग, इन दोनों विरोधी वर्गों के बीच में समाज में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। बुजुर्गवा वर्ग में और जो सर्वहारा वर्ग है, इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। अतः इनका मानना है कि जब तक इतिहास वर्ग संघर्ष का जब तक संघर्ष चलता रहेगा, ये इतिहास है संघर्ष का इतिहास कहलाएगा। इसी तरह इनका मानना है कि जब तक संघर्ष इतिहास रहेगा, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्सवाद के अनुसार प्रत्येक वर्गीय समाज मूलतः शक्ति संरचना होता है, जिसमें वर्ग, राजनीति, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, समाज, नैतिकता और राजनीतिक अपनी स्वाभाविक नियति के रूप में आत्मसात कर लेते हैं। तो ये वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। आप पढ़ते हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार भी समाज शक्ति के अनुसार दो वर्गों में विभाजित होता है। विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली वर्ग है तथा सामान्य वर्ग जिसके अनुसार शक्ति उपयुक्त होती है, में दो भागों में बढ़ जाता है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार यह वर्ग केवल आर्थिक आधार पर नहीं होकर उसके आधार पर, जैसे इसके कई अनेक आधार हो सकते हैं, कई इसके आधार अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कुशलता, आनुवांशिकी, संगठन क्षमता, बुद्धिमत्ता, प्रबंध कौशल, नेतृत्व आदि, इनके कई गुण होते हैं। इन योग्यताओं के आधार पर प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में समाज को छोटे वर्गों में उभर कर सामने आता है। जो शक्तिशाली वर्ग होता है और सामान्य जन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे देश के राजनेता, प्रशासक, देश के प्रशासक, उद्योगपति, वकील, प्रोफेसर, ये सब मिलकर एक वर्ग बनाते हैं जो हमेशा शक्तिशाली वर्ग बने रहते हैं, भले ही औपचारिक रूप से किसी भी किसी भी वर्ग में ये सम्मिलित होते हैं। औपचारिक रूप से किसी भी दल में सरकार, किसी भी दल की सरकार हो, इटली में फ्रियड पेरेटो, गीतांगो मॉस्को, रूलिंग क्लास, जर्मनी में रॉबर्ट मिशेल नामक पुस्तकों में सिद्धांत की व्याख्या की है। अगला जो सिद्धांत है हमारा वो है नारीवाद सिद्धांत। नारीवाद सिद्धांत का मानना है कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक होना चाहिए। समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है, जो महिलाओं के ऊपरी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अतः इस प्रकार इस आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति के आंदोलन प्रारंभ में हुए, जो पुरुषों के पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते थे। यानी कि नारीवाद शक्ति से आशय यह है कि
जो शक्तियों का विभाजन है वो पुरुष प्रधान हो और पुरुष जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग नारियों के खिलाफ करें। बहुलवादी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत का चौथा बहुलवादी सिद्धांत है जो उपयुक्त तीनों से ही भिन्न है। वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गवाद और नारीवाद का यह दावा करते हैं कि शक्ति का प्रयोग समाज के दो वर्गों में होता है, शक्तिशाली वर्ग और शक्तिहीन वर्गों में बढ़ जाता है। परंतु बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज की सारी शक्ति एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बढ़ जाती है, तो उसे बहुलवादी उदार लोकतांत्र की व्यवस्था में इन समूहों के बीच सतत सौदेबाजी चलती रहती है। अतः शक्ति के आधार पर समाज की शोषणकारी व्यवस्था नहीं चलती है। यह भारतीय अवधारणा है कि जो शोषण या वर्ग संघर्ष पर मान्यता है और शक्तिशाली होने का आधार है। इनमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाकर समरस समाज की स्थापना पर जोर दिया जाता है। अब बात करते हैं सत्ता यानी कि ऑथोरिटी की। सत्ता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जहाँ प्राचीन और मध्यकाल राजतंत्रात्मक व्यवस्था में शक्ति महत्वपूर्ण अवधारणा है, वहीं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की अवधारणा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सत्ता किसी भी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का एक सा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके आदेशों का पालन करवाया जाता है। जब हम किसी बलशाली के आदेश की पालना करते हैं तब उसकी आज्ञा का पालन का आधार शक्ति होता है। लेकिन जब हम चौराहे पर यातायात पुलिस के सिपाही के इशारे पर रुकते हैं तब वह सत्ता का प्रतीक होता है। इस तरह शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है तब वह सत्ता कहलाती है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सत्ता है वो वैधता का ही प्रमाण है। ब्राइसर्ड के अनुसार इसे परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। सत्ता किसे कहते हैं? सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। सत्ता पालन के आधार कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। सत्ता के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं। मुख्य रूप से सत्ता का पालन निम्न आधार पर किया जाता है। वो आधार कौन कौन से? पहला है विश्वास। सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है, पहला कारक है, वो है विश्वास। सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अधीनस्थों का सत्ताधारियों के ऊपर विश्वास, सत्ता के प्रति विश्वास। यह विश्वास जितना गहरा होगा सत्ताधारियों के लिए आदर्शों की पालना कराना उतना ही सरल होगा। इसके लिए उसे शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। अगर लोगों का सत्ता के प्रति, सरकार के प्रति अगर विश्वास है तो उन्हें जो कानून है, जो नियम है, अपने आदेशों को मनवाने के लिए शक्ति का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सत्ता का पालन कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है विश्वास, जो अपने अधीनस्थों और सत्ताधारियों के प्रति विश्वास को उत्पन्न रखता है। यह विश्वास जितना गहरा होता है सत्ताधारियों के आदेशों की पालना करवाने में उतनी ही उन्हें सरलता होती है। इसके लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा जो है वो है एक रूपता। विचारों और आदर्शों की एक रूपता भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार होता है। वैचारिक एक रूपता स्वतः ही आज्ञा पालन की स्थिति को पैदा करती है। इसी कारण राजव्यवस्थाएँ उदारवाद, समाजवाद आदि विचारकों का सहारा लेती है। अगला जो है वो है लोकहित। लोकहित अगला जो सत्ता के पालन का आधार है वो है लोकहित। लोक कल्याणकारी भी सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। हम राज्य के अधिकांश कानूनों की पालना केवल दंड शक्ति के दबाव में नहीं करते हैं अपितु इसलिए करते हैं कि वे लोकहित को
लोक हित का बढ़ावा देते हैं। जैसे कर जमा करवाना, यातायात नियमों का पालन करना, ये लोक हित में इनका हम पालन करते हैं। कर हम इसलिए जमा कराते हैं, टैक्सेस इसलिए जमा कराते हैं ताकि सरकार हमारे लिए लोक हित में कार्य कर सके। लास्ट है और अंतिम है दबाव। दबाव क्या है इनके बारे में बात करते हैं। दबाव अनेक बार दबाव एवं शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए उपयोग करना होता है। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर सत्ता के अनेक अधिकारों का कम प्रभाव रहता है, और जो दमन एवं दबाव की भाषा को ही समझते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो वो नियमों और व्यवस्थाओं को नहीं मानते, तो उन पर दबाव बनाकर ही नियमों और व्यवस्थाओं को लागू करवाया जाता है। वो इन्हीं की भाषा समझते हैं, दमन और दबाव की भाषा को ही समझते हैं। अब बात करते हैं सत्ता के रूप। सत्ता के रूप कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने सत्ता के कुछ तीन रूप बताए हैं। वो तीन रूप कौन कौन से हैं? मैक्स वेबर के अनुसार जो पहला सत्ता का रूप है वो है परंपरागत सत्ता। इस सत्ता का आधार परंपराएं एवं इतिहास होता है, जिसमें ये माना जाता है कि जो व्यक्ति या वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है या कर सकता है, सत्ता उसी के पास बनी रहती है। इस सत्ता में तर्क और बुद्धि संगता का अभाव रहता है। घर में वृद्ध जनों की सत्ता परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। जो घर में बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी अपने परिवार में अपनी सत्ता कायम रखते हैं। ये भी क्या है? परंपरागत सत्ता का उदाहरण है जो मैक्स वेबर ने बताई है। जो दूसरा है वो है करिश्माई सत्ता। यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कारों पर आधारित होती है। इसमें जनता उस व्यक्ति के इशारे पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाती है। इसमें सत्ता का आधार भावनाएं होती है। जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, ये ऐसे आदि ऐसे नेता हैं जो क्या है, करिश्माई नेता थे। इनके इशारे पर जनता क्या है, एक इशारे पर बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए जनता तैयार हो जाती थी। इनके पीछे सत्ता का जो मुख्य आधार था वो है भावनाएं थी। जो सत्ता का जो अगला जो रूप है वो है कानूनी तर्कसंगत सत्ता। इसका आधार पद होता है। इसका आधार क्या होता है? पद होता है। व्यक्तित्व नहीं। उस पद में कानूनन जो सत्ता निहित है, उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे शिक्षक की सत्ता, कलेक्टर की सत्ता, प्रधानमंत्री की सत्ता आदि कानून की सत्ता का प्रयोग जो व्यक्ति कर रहा है उसका व्यक्तित्व चमत्कारित्व हो। जब व्यक्ति असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है, जैसे प्रधानमंत्री में कानूनन समान सत्ता निहित होती है, लेकिन उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के गुणों के आधार पर प्रयोग की सीमाएं अलग अलग हो सकती है। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री की सीट पर जो बैठता है तो वो अपनी सत्ता का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उस सीट पर बैठने वाले व्यक्तित्व के व्यक्तित्व को देखा जाता है कि वो किस प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, किस प्रकार से वह देश में अपने जो उसका जो पद है प्रधानमंत्री पद का, जो भी जिस पद पर वो आसीन हुआ है, उस पद का प्रभाव पूरे देश में बना सकता है। मैक्स वेबर ने स्वीकार किया है कि जिसमें से किसी प्रकार की सत्ता शुद्ध रूप से देखने को नहीं मिलती है उसे हम क्या कहते हैं। इस प्रकार सत्ता के बिना सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन प्रत्येक समाज सत्ता के ऊपर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, जिसमें कि सत्ता का मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सकता। सत्ता को देश के संवैधानिक कानूनों तथा वहाँ की संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं और नैतिक अवधारणा आदि का सापेक्ष में रखकर कार्य करना होता है। सत्ता पर कंट्रोल करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए सत्ता को कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, जैसे संवैधानिक कानूनों, वहाँ के आदर्शों, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराओं, इन बातों को ध्यान में रखकर ही सत्ता के अपने कार्य को कर सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैधता। वैधता शब्द की जो उत्पत्ति है वो लेटिन भाषा के शब्द लेट्रिम से हुई है, जिसका अर्थ होता है लॉफुल यानी कि वैधानिक।
वैधता अर्थात औचित्यपूर्ण का लंबा इतिहास रहा है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा एवं अरस्तु के संवैधानिक शासन द्वारा शासकों की वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। इससे पूर्व भारतीय चिंतन में भी इसका अप्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। मनुस्मृति कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा या स्वामी को सभी अधिकार कुछ कर्तव्यों के निर्वहन के साथ प्रदान किए हैं तथा प्रजा पालन एवं जल कल्याण को उनके मूल्यों के रूप में पहचान स्वीकार किया गया है। मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति देवी सिद्धांत को राज्य की वैधता का आधार माना गया है। मध्यकाल में जो राज्य की उत्पत्ति है वो देवी सिद्धांत यानी कि ईश्वर की कृपा से राज्य की उत्पत्ति है और राजा क्या है ईश्वर का प्रतिरूप है ऐसा माना गया है। मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति देवी सिद्धांत को राज्य की वैधता का आधार माना गया है। होब्स, लॉक और रूसो ने देवी सिद्धांत के स्थान पर लोगों की सहमति को राज्य की वैधता का आधार माना है। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में जनता की सहभागिता को राज्य की वैधानिकता का प्रमाण माना जाता है। वास्तव में वैधानिकता उस कारण की ओर इशारा करती है जिन कारणों से हम किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ उस सहमति से है लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को संचालित किया जाता है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त होती है तब वह व्यवस्था अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। मतदान, जनमत संग्रह, संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि वे साधन हैं जिनके माध्यम से वैधता को प्राप्त किया जा सकता है। वैधता ग्रीन के इस कथन को सिद्ध करती है। न इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है। वैधता वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। कोई भी शासक शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से नियंत्रण कर सकता है लेकिन वैधता के आधार पर वह लोगों के हृदय पर शासन कर सकता है। इस प्रकार लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर करने के लिए तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र का प्रधान लक्षण वैधता है जबकि जननायक तंत्र मुख्यतः शक्ति और बल पर आधारित होता है। शक्ति और बल पर आधारित होता है। इसी प्रकार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को वैधता बनाए रखने के लिए प्रत्येक उसको प्रयत्न करने पड़ते हैं। जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था को अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप नहीं बना पाती है तब वैधता प्रभावित होती है। प्राचीन काल में राजतंत्रीय व्यवस्था थी। कालांतर में लोकतांत्रिक तत्वों का उदय हुआ। इन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतांत्रिक तत्वों के रूप में ढाल लिया है। इनकी वैधता बनी रही है लेकिन जो ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं। क्रांति की स्थिति बनी है। साम्यवादी व्यवस्था में अपने शासक समयानुकूल नहीं बन सकते इसलिए उनकी कोई वैधता नहीं रहती है। इसी तरह नवीन व्यवस्थाओं को कई बार परंपरागत संस्थाओं समूहों को भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऐसा करने से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह पूरी तरीके ताकत के साथ नवीन व्यवस्थाओं को चुनौती देते हैं। इस प्रकार नवीन समूह के राजनीति में प्रवेश भी वैधता को प्रभावित करते हैं। यदि इनके प्रवेश को पुराना वर्ग स्वीकार कर ले तब तो ये वैधता को बढ़ावा मिलता है लेकिन वे बाधा उत्पन्न करते हैं तब वैधता को बाधा पहुंचती है। इसके अलावा अनेक बार राजनीतिक व्यवस्था से अत्यधिक आकांक्षाएं भी वैधता को प्रभावित करती है। जब राजनीतिक व्यवस्था जनमानस की क्रांति एवं तख्ता पलट को तैयार हो जाती है तब अनेक बार एशियाई अफ्रीकी देशों में तख्ता पलट होते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था अपने नवीन व्यवस्था के अनुरूप ढालकर परंपराओं और अपने व्यक्तिगत गुणों की रक्षा करती है। अफ्रीकी और एशियाई देशों में समय समय पर ऐसी ऐसी घटनाएं घटती रही है जिसके कारण क्या है वहां पर नए नए राज्यों का उदय और विस्तार हुआ है। इस तरह शक्ति सत्ता वैधता की अवधारणा एक दूसरों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। शक्ति के बिना समाज में शांति
व्यवस्था, कानून व्यवस्था और खुशहाली की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु शक्ति की भूमिका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होती है। जहाँ वह केवल बल का समाधान है, जबकि वैधता क्या है, इसके साथ जुड़कर सत्ता का रूप धारण करती है। समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए वैधता और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। यदि हम शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें तो सत्ता मयान से ढकी हुई तलवार है, जो जरूरत पड़ने पर बाहर निकल जाती है। वास्तव में जब शासक की सत्ता का रूप धारण कर लेती है तो उसका अधिकार बन जाती है। चूँकि सत्ता में वैधता जुड़ी होती है, इसलिए नागरिकों के आज्ञा पालन में कर्तव्यपरण माना जाता है। तो आपने इस वीडियो में हमने ये जाना, सत्ता, शक्ति, सत्ता, वैधता के तीनों रूपों को हमने समझने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर की, जो प्रश्नोत्तर है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपके इस पुस्तक का, राजनीति विज्ञान, राजनीति कब और कैसे प्राप्त करना है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसमें चार ऑप्शन देख पा रहे हैं, कैटलिन, लासवेल, मैकाइवर और लास्वी। तो इस पुस्तक के रचयिता है मासवेल। शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता रखती है, ये कथन किसका है, तो ये कथन अर्गेंस्की का है। तीसरा प्रश्न है, सत्ता आदेश का पालन कराने का अधिकार है और आदेशों का पालन करने की शक्ति है, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है हेनरी फेवोल का कथन है। इसमें से कौन सा सत्ता का रूप नहीं है, तो इसमें सैनिक सत्ता सत्ता का रूप नहीं है। परंपरागत सत्ता आपने पढ़ी थी, सत्ता का जब पढ़ा था, करिश्माई सत्ता, जिसमें जो लोग कुछ क्या है अपने प्रभाव को लोग दिखाते हैं, लोग उनके एक इशारे पर अपना सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं, वो करिश्माई सत्ता है। और कानूनी सत्ता तर्कसंगत सत्ता होती है, लेकिन जो सैनिक सत्ता है उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। लेटिल भाषा के शब्द लेगिटिनमस का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है वैधानिकता। वैधानिक इसका क्या है, इसका अर्थ है। तो इस तरह से यह कुछ प्रश्न और हैं, इनको आप देख सकते हैं। थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आप बता सकते हैं, राजनीति विज्ञान की को शक्ति का विज्ञान प्रस्तुत करने वाले विद्वान का नाम क्या, अरस्तु है। शक्ति के कोई दो रूप आपको बताने हैं, शक्ति के दो रूप कौन कौन से हैं, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति बता सकते हैं। शक्ति की स्वीकृति या पालन कराने के दो आधार कौन कौन से हैं, ये प्रश्न आपको याद करने और अपनी कॉपी में इनको करने हैं। तो आपने इस वीडियो में पार्ट दो पूरा कंप्लीट पढ़ा और कुछ प्रश्न उत्तरों को भी समझने का आपने इसमें प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।